हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आशा एजुकेशन में। लास्ट के वीडियो में हमने द्विघात, बहुपद और प्लस में जो बहुपद हैं उसके प्रकार को समझा था कि आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद को किन किन आधार पर बांटा गया है। तो हमने बहुपद के दो प्रकार देखा था, एक तो घात के आधार पर देखा था और एक उसके पद के आधार पर। तो देखिए, घात के आधार पर मैंने आपको बताया था कि एक रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है और त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। इसके अलावा जो पद के आधार पर हमने बात किया था, पद के आधार पर मैंने आपको बोला था कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपद होते हैं। अब इसके बाद आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले द्विघात बहुपद को गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है उसका सामान्य रूप। देखिए, हमेशा जो द्विघात बहुपद होता है उसका सामान्य रूप कुछ इसी तरीके से होता है। सामान्य रूप कहने का मतलब है इन जनरल या सामान्य रूप से द्विघात बहुपद आपके पास कुछ इस तरीके से लिखे हुए रहते हैं। जैसे मैं यहीं पर एक और एग्जाम्पल आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने लिख दिया 2xx² प्लस में 4x प्लस में 10 लिख दिया, तो ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद में सबसे अधिक घात जो होता है उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम उसका नाम रखते हैं। तो चूंकि इस पूरे के पूरे बहुपद में सबसे अधिक घात जो है वो कितना है, 2 है, इसलिए इस पूरे बहुपद का नाम क्या होने वाला है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का जो फॉर्मेट है, चूंकि x² जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चरमान का घात होता है उसका कुछ ना कुछ कोफिशियंट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो इसके साथ जो गुणा में अंक जुड़े होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं गुणांक। तो इस गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग a के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपके पास सिर्फ चरमान होता है जिसका पावर सिर्फ एक होता है उसके गुणांक को हम लोग b के नाम से जानते हैं। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास अचर पद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट और c के नाम से जानते हैं। तो इन जनरल क्या कह सकते हैं कि हम लोग ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल यदि यहाँ पे लिख दूँ, x² माइनस में 6x लिख दिया, प्लस में 10 लिख दिया, तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं द्विघात बहुपद जो है वो इसी फॉर्मेट में है। किस तरीके से, x² का जो नहीं कुछ कॉफिशियंट है या गुणांक है तो कितना है, 1 है। इसके अलावा x का गुणांक यहाँ पर 6 है, माइनस 6 है, और इसके बाद देखा जाए तो लास्ट में जो अचर पद है वो 10 है। तो देखिए, ये सामान्य रूप है, इसमें ए बी सी की वैल्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है बताना, आप आराम से बता सकते हैं। चलिए इसको गुणनखंड विधि से देखते हैं हम लोग कि आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, एक एक एग्जाम्पल करके अभी हम लोग आराम से इसको समझेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि से आपको ये फॉर्मेट आपको पता चल गया होगा, x² प्लस 8x प्लस 15 है, क्योंकि इसमें जो है ना तीन पद है और बीच वाला जो पद है अपने पास कितना है, 8x है, ठीक है। बीच में 8x है और लास्ट में जो अचर पद है वो 15 है। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें मध्य वाला पद होता है ना, मध्य वाला पद होता है, मध्य वाले पद को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। मध्य वाले पद को जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि उसका एड और लेस जो है, या कह सकते हैं हम लोग जोड़ करके या घटा करके 8 के बराबर आ जाए, और इसी दोनों भागों को गुना करके कितने के बराबर आ जाए, 15 के बराबर आ जाए, ठीक है, 15 के बराबर आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जोड़ और घटाव आपके लिए दोनों बोले हैं, तो दोनों नहीं होता है, एक ही क्वेश्चन में या तो हमें जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो अब इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि आखिर हमें जोड़ना है या फिर घटाना है, तो वो चीज़ आपको क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा। यदि अचर पद से पहले प्लस का चिन्ह होगा जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बीच के 8 को, ठीक है, बीच के पद को हम जो दो भाग में बांटेंगे उन दोनों भाग का सम, या कह सकते हैं कि योग हमें कितने के बराबर लाना है, 8 के बराबर लाना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे यदि माइनस होता तो फिर हम लोग लेस करके लाते, वो फिर हम लोग आगे एग्जांपल और भी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे माइनस है इस वाले में देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए 15 है, तो अब मुझे क्या करना है, 8 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा काम कर सकते हैं कि 15 का जो है यहाँ पे आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। 15 का यदि मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 के अभाज्य गुणनखंड को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 5। देखिए 3 × 5 इक्वल्स में हमारे पास 15 तो आ गया है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में जो दो संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में भी दो ही संख्या है, और अब मुझे 8 को कितने पार्ट में डिवाइड करना था, दो ही पार्ट में बांटना था, तो इसलिए यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों ऐसे संख्या है
जिसका सम 8 आ भी जाता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाता है, 15 भी आ जाता है। अब देखिए 8 को हमने किन दो भाग में बांटा हुआ, 3 भाग में और 5 के रूप में बांटा हुआ है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे यहाँ पे कितना 3x और प्लस में लिखेंगे 5x, प्लस में लिखेंगे 15। अब देखिए 3x और 5x को हमने प्लस में क्यों लिखा, ये चीज़ आपके बेसिक का चीज़ है वैसे, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे प्लस में लाना था तो दोनों का साइन हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में रखना पड़ेगा, ताकि ये दोनों ऐड होके कितने के बराबर हो जाए, 8 के बराबर। इससे पहले भी मैंने बोला था कि बीच के पद को दो भाग में बांटना है और उन दोनों भाग का योगफल जो है वो 8 के बराबर आना चाहिए और इन दोनों भागों का गुणनफल जो है वो कितने के बराबर, 15 के बराबर आना चाहिए। तो इन दो भागों में मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग के दोनों पद में कॉमन लेना है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है x प्लस, फिर अगेन मुझे ब्रैकेट के अंदर 3 लिखना पड़ेगा, अगेन इन दोनों में कॉमन जो है वो 5 मिल रहा है तो x प्लस 3 लिख दिया। अब देखिए पहला पद ये हो चुका है, दूसरा पद ये हो चुका है, दोनों पद में अगेन मेरे पास कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद अब जो मेरे पास दूसरे वाले कोस्ट में पद आना है वो x प्लस 5 आना है, ठीक है, x प्लस कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हम लोग इस वाले बहुपद का गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। और ये कौन सा विधि है, गुणनखंड विधि है, किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, द्विघात बहुपद को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे मेरे पास है, इसमें भी लास्ट के पद से पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो अब मुझे क्या करना है, 16 को दो ऐसे भागों में बांटना है जिसका सम 16 आ जाना चाहिए, जिसका योगफल 16 आ जाना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं दोनों भागों का गुणनफल जो है ना वो 48 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसका मैं डायरेक्टली यदि अपने माइंड में करूं, वैसे तो देखिए आप आवाज गुणनखंड निकाल के भी इसका कर सकते हैं, ठीक है, यदि मैं डायरेक्टली आपको बोलूं कि इसका कितना कितना भाग होने वाला है, तो आवाज गुणनखंड जैसे आप निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, 48 का निकालेंगे, ठीक है। तो 48 का आवाज गुणनखंड यदि आप निकालेंगे तो आराम से उसमें क्या करना पड़ेगा कि बारी बारी से आपको ऐसे पार्ट को एक साथ करके देखना है जिससे इन दोनों का सम 16 भी आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोले तो क्या गुणनफल 48 के बराबर भी आ जाए। तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि इसके दोनों पेयर क्या होने वाले हैं, इसका दोनों पेयर 12 और 4 होने वाला है, क्योंकि 12 चूंकि मुझे यहाँ पे जोड़ के लाना था इसलिए 12 और 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 12 और 4 को गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, प्लस में 16 लाना है तो प्लस में 16 लाने के लिए 12x का भी साइन जो है वो प्लस में होना चाहिए और 4x का भी साइन किस चीज में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। 12x का सम साइन जो है वो प्लस में, अगेन फिर 4x का साइन भी जो है वो प्लस में, लास्ट में 48 एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखिए शुरू के दोनों पद में यदि मुझे कॉमन लेना है तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस में यहाँ पे मेरे पास बच गया कितना 12, प्लस फिर से कॉमन ले लिया 4 तो x प्लस में और यहाँ पे मेरे पास रह गया 12। अब देखिए स्टार्टिंग के दोनों या स्टार्टिंग के इस वाले पद में और अंत के ये वाले पद में दोनों में x प्लस 12 दोबारा से कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 12 को क्या कर लेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे मेरे पास दूसरे ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, x प्लस 4। इस तरीके से ये वाला आराम से बन जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या है, अपने पास लास्ट के जो पद है उससे पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखिए स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि जोड़ के कैसे बीच वाले पद के बराबर लाना है और उन्हीं दोनों भागों का गुणनफल जो है वो लास्ट वाले पद के बराबर होना चाहिए। अब जो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो अचर पद से पहले माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो बीच में पद है, बीच में जो पद है उसका कोई दो ऐसा भाग निकालना पड़ेगा जिससे लेस करके उस पद के बराबर आ जाए और उन्हीं दोनों भागों को गुना करके कितने के बराबर, 44 के बराबर आ जाए। तो देखिए इसके लिए है बहुत आसान, आपको मैंने क्या बोला कि लास्ट वाले अचर पद जो है उसका क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और सिर्फ आपको दो ही भाग में बांटना है, ठीक है। तो दो भाग में बांटने के लिए कुछ कुछ पार्ट को आप एक साइड रखेंगे, कुछ कुछ पार्ट को दूसरी साइड रखेंगे और दोनों का गुणनफल देख लेंगे फिर एड लेस करके कि बीच के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पेयर तैयार करते हैं। पेयर तैयार करने के लिए मैं नेक्स्ट वाले एक जो पेज है उसमें बता दूंगा, ठीक है, और यहां पे डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या पेयर होने वाला है। देखिए 7x लाना है मुझे, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करके उन दोनों भागों को कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए, तो 11 और 4 को यदि हम लोग गुना करेंगे तो 44 आ जाएगा और 11 में से 4 को लेस कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है कैसे, क्योंकि 7x हमें किस चीज़ में लाना है, माइनस में लाना है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अब लेस करने के क्रम में बड़े वाले का साइन क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस में रखना पड़ेगा ताकि छोटा वाला लेस होके साइन बड़े वाले का लगेगा तो माइनस में 7x हो जाएगा।
अब प्लस में कितना लिखना पड़ेगा 4x और माइनस में कितना लिखना पड़ेगा 44। अब देखिए दोनों में से यदि मैं कॉमन निकालूं तो दोनों में मेरे पास x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 11 हो गया। अगेन इसमें 4 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 11 हो गया। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 11 दोनों में कॉमन मिल रहा है। इसके अलावा x प्लस 4 जो है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। प्लस रहे माइनस रहे कोई भी साइन क्यों नहीं रहे, आप एक बार चीज़ों को यदि समझ जाएंगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर हम लोग अब यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल। देखिए अभी तक के एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बोला था, बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है और उन्हीं दोनों भाग का गुणनफल जो है लास्ट के पद के बराबर आना चाहिए, ये चीज़ बोला था। हाँ लेकिन इसमें क्योंकि इन तीनों क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको एक्स एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशियंट नहीं दिख रहा था, सिर्फ क्या था एक था, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें क्या है कि एक्स एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कहीं ना कहीं अलग जो है वो संख्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, है सेम टू सेम बनाने का तरीका। बस इसमें करना क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे लास्ट में अचर पद के बराबर गुना करके लाते थे उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, 3